तो आप स्पेशली बड़े भाई के नाते क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सबसे पहले ये कहूंगा, क्योंकि मैं भी अभी भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो टेंथ की क्लास की हम पढ़ते हैं तो कुछ कुछ होता है कि हम नाइन्थ में भी पढ़ते हैं और उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो जो अभी मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था कि नाइन्थ का भी एग्जाम, जो नाइन्थ की क्लास है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी जितने भी नॉलेज है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी आप पढ़ते हो तो ये उसे भूल मत जाना यार, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम आएगा। क्योंकि नाइन्थ टेंथ हम तभी पढ़ पाएंगे जब नाइन्थ क्लास हमें सबसे क्लियर होगी। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप जो भी चीज पढ़ते हो उसे अपने माइंड में रखना। और अरे मैंने तो बताया था मैं 8th क्लास में फेल हो गई थी और आज पढ़ा रही हूँ। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि जो टॉपर है वो ही भैया आगे जा सकते हैं। नहीं, आईएएस ऑफिसर भी बहुत एवरेज क्लास वाला बनता है, जो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है वही बनता है। चलो आपसे मैं ये पूछूंगी, बेटा आपका नाम क्या है? केशव। केशव के लिए तालियां हो जाए जोर से। केशव, क्या ऐसा लगता है कि पढ़ना चाहता हूँ पर पढ़ नहीं पा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है आपकी 10th क्लास में? चलो बताओ। मैम हमें हम इसलिए पढ़ नहीं पा रहे कि हम जो चीज सोचते हैं वो हम कभी करते नहीं है, बस खेलते हैं, व्यस्त रहते हैं, सोचते हैं अब करूंगा करते नहीं है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब दिमाग वहाँ पे होता है सिलेक्शन में। हाँ, जब दिमाग नहीं सकता ना, थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा थोड़ा थोड़ा कहाँ होता है? पत्तों में? नहीं बताओ बताओ। नहीं थोड़ा तो आता है उसमें, हो जाता थोड़ा तो भी दो साहब बात करने लग जाते तो। अच्छा आपस में बात, यानी कि थोड़ा सा डिसिप्लिन, जो टीचर कहते हैं ना चिल्ला चिल्ला के बच्चों चुप हो जाओ, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन बिगड़ता है। ठीक है, और बाकी फ्रेंड सर्कल दोस्त वगैरह, यानी आपकी सराउंडिंग कैसी है? कौन कौन दोस्त है आपके? सर विक्की है। आ विक्की जो आ विक्की आ और मैं अंशु। अंशु आ जाओ। मैं क्या है? और कोई नहीं है? अच्छा ये बताओ कि आप तीनों एक ही क्लास के हो? अच्छा आप लोग के मार्क्स इससे ज्यादा है, इससे कम है, इससे मतलब बराबर है? मैम किसी सब्जेक्ट में इससे ज्यादा है और किसी सब्जेक्ट में इससे कम भी है। मैम अभी लगा अच्छा तो बाकी बच्चों को भी लेते हैं, आइए आप लोग भी आइए। और कोई आ रहा है? और आप कौन से क्लास में हैं? 10th के। अरे आवाज तो थोड़ी बुलंद रखनी है, एकदम शर्माना नहीं है। 10th तो क्या है, पढ़ाई नहीं की जाती, क्या प्रेशर है, क्या टेंशन है क्या? अच्छा ये बताओ पढ़ना तो सभी चाहते हैं, सभी सब चाहते हैं टॉपर बन जाए, ये तो सभी चाहते होंगे ना। तो ठीक है हम डिस्कस करते हैं, भाई प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम की तो सॉल्व करना है ना। चलो बताओ। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैम जब भी मैं जो भी चीज़ पढ़ता हूँ ना, जैसे मैम उसे अगर मैम घर पे जैसे मैम उसे दोहराता हूँ तो मैम वो मेरे माइंड में बैठती नहीं है, बस मैम इसी बात की ज़्यादा टेंशन है। और खास करके मैम मैथ और साइंस में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैथ और साइंस की फैकल्टीज कौन है यहाँ पे हमारे टीचर्स हैं मैथ और साइंस के? अच्छा मैथ के भी हैं हमारे पास और साइंस के भी हैं। ठीक है देखो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। चलो और पूछते हैं बाकियों से। मैं 9th क्लास से हूँ। मैं जब भी मैथ की बुक लेके बैठता हूँ ना, तो जब भी कोई क्वेश्चन लेके बैठता हूँ तो मेरे समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना उसके अंदर, फिर मैं कर ही नहीं पाता, फिर मैं उसे छोड़ देता हूँ। क्यों आगे अगले दिन जाकर पूछता हूँ तो कभी कभी मन करता है क्या पूछूंगा, वैसे ही मैं कर नहीं पाता, थोड़ी शर्म भी आ जाती है। अच्छा और आइए मैम जैसे है
मैम वैसे पढ़ने का मन होता नहीं है और वैसे अगर हमने पढ़ने का मन ले भी लिया और उठा के उसे बैठ भी गए तो फिर मम्मी या पापा बोलते हैं कि ये काम कर, तो उनसे बोलते हैं कि नहीं मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो बोलते हैं कि तू कहीं एक दिन मेरे कलेक्टर नहीं बन जा रहा। ये भी होता है, ठीक है, वो कई बार ऐसा हो गया, वो पेरेंट्स इसलिए कहते हैं कि जब जैसे वो कुछ काम बोलते हैं तभी हमारी किताबें खुल जाती है, उससे पहले हम खेल रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तब किताबें नहीं होती, तो पेरेंट्स का भी चलो व्यू है भाई, ठीक है। और बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल टीचर्स, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, सॉरी गुड इवनिंग। आप तो कुछ बोल नहीं रहे और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पहले अपने आप को देखो फिर दूसरे के बारे में बोलो। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि दूसरों को आपको सही से सुनना चाहिए। देखिए सुनने से होता क्या है, जब हम किसी को फॉलो करना चाहते हैं तो उसका स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम उसको लिसन करते हैं, सुनते हैं और फिर उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं और तब जाके हम बोलते हैं। तो अगर आप सुनोगे और फिर सोचोगे और तभी बोल सकते हो और तभी आप इंटेलिजेंट बनोगे। सो जस्ट लिसन एंड देन स्पीक। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बढ़िया, यानी कि सबसे पहले इसलिए तो टीचर कहते हैं बेटा रोज स्कूल आओ, छुट्टी मत करो, और जब पढ़ रहे हो तो सुनो। बहुत अच्छी बात बोल के गए, फर्स्ट लिसन प्रॉपरली, पेशेंट रखो, सुनो, जब सुनोगे आधी चीज वही समझ में आएगी, ठीक है। ये सॉल्यूशन पता किसका है, जो ये बच्चे शेयर कर रहे थे ना, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, वो तब होगा पहले सुनो, ठीक है। और जैसे ही टेंशन होने लगे ना, कोई चीज नहीं आ रही, उसको सब छोड़ दो। और कौन बच्चा आएगा बेटा, तुम आओ, जाओ जा, आओ, नहीं तुम पीछे आप भी आ जाओ, जाओ दो जाओ, आओ, शर्माना क्यों है, कैसे बनोगे मिसाइल मैन, शर्म तो करनी नहीं है, आओ। आफ्ताब कहाँ है? अरे उठ, आफ्ताब। देखो ये सारे बच्चे आप में से ही हैं, देखो तो खुद सोचो, टॉपर आए तीन, ठीक है, एवरेज बच्चे कितने आ रहे हैं, क्योंकि हम अधिकांश ऐसे ही हैं। प्रॉब्लम सुनो इनकी, इनकी प्रॉब्लम आ चुकी है, अब क्या बोलना चाहते हैं, तब सॉल्यूशन बताएंगे ना, ठीक है। सुनो, चलो भाई एक एक करके सुनते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देके जाएंगे। अभिषेक, आओ भाई, अभिषेक यादव, मैं 9th क्लास का सचिन कुमार, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कंटिन्यू 4 समय तक नहीं पढ़ पाता, कुछ देर पढ़ा फिर स्टॉप, उसके बाद फिर से मन करेगा फिर पढ़ेंगे, फिर रोक देंगे, मैक्सिमम 1 घंटा पढ़ लिया उसके बाद बंद, फिर थोड़ी देर इधर उधर किया, फिर थोड़ी देर अगर शुरू भी किया तो फिर कुछ ना कुछ काम की वजह से बंद करना पड़ता है, तो इस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाता मैं अपने काम को, तो ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास ये है कि इन्होंने कहा मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, 1 ही घंटा पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, 4 घंटे मत पढ़ो। 1 घंटे पढ़ने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई 1 घंटा तो अच्छा पढ़ता हूँ, लेकिन उसके बाद ना मैं इधर उधर करता हूँ, इधर उधर नहीं करना है, इधर उधर के समय में आपको वो चीज करना है जिससे ये साइंटिफिकली एक्टिव हो जाए, उस समय कुछ एक्सरसाइज कर लो, उस समय कुछ रुचि वाली अगर किताब कहानियां आती हैं, ठीक है, छोटी छोटी कहानियां आ रही है वो देख लो, कार्टून देख लो, कुछ कुछ ऐसा करना है कि जिससे आपका मन खुश हो, कुछ कुकिंग कर लो, ऐसा तो ना कि कुछ नहीं कर सकते, मैगी बना लो, चाय बना लो, तो मतलब वो काम करना जिससे कि माइंड थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, थोड़ा वॉक पे निकल जाओ, ठीक है, थोड़ा दोस्त से मिलो, कुछ म्यूजिक सुन लो, माइंड एक्टिव हो गया, आधा घंटा लगा दिया, फिर से बैक टू स्टडी, फिर देखना तुम्हारा 2 घंटे स्टडी होगा, 1 घंटे नहीं, ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन था। आइए भाई नेक्स्ट, कौन है भाई, आप आओ बेटा, ये बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। मैम टाइम, अभिषेक यादव, मैम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमको जब करना रहता है मैम, हमारा कंसंट्रेशन सही से नहीं बनता है। अच्छा आज जाके ना मैथ्स जब
चला लेना, क्योंकि कई बड़े बड़े विद्वान ऐसे हैं जो मैथ पढ़ते हैं ना, पीछे गाना चल रहा होता है तो मैथ भी फटाफट होता रहता है। आज ऐसा करके देखो मैम, हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। ग्रामर में प्रॉब्लम? यस मैम। अच्छा, ऐसा करना है, एक बड़ा शब्द लेना है इंग्लिश का, ठीक है, उसको दो भाग में तोड़ के उसको उसके मीनिंग को याद करना और उसको ना अपने दिनचर्या में यूज करना। जैसे कि मम्मी के साथ बात करनी है, मम्मी प्लीज लाइट जला दो, मत बोलो प्लीज लाइट ऑन करो, ठीक है। मम्मी आई वॉन्ट डिनर प्लीज ब्रिंग, मतलब कि जो शब्द आप याद करोगे, जैसे फ्लोरोसेंट है थोड़ी खुशबू, स्मेल मत बोलो, ठीक है, कुछ जो जो वोकैब पर डे में पांच पांच शब्द इंग्लिश के दोनों याद करो, जो भी दो शब्द याद कर रहे हो उसे सेंटेंस बना के घर में यूज करते रहो, अपने दोस्तों के साथ यूज करते रहो, तो वो चीज याद हो जाएगी, ठीक है। मेरा नाम प्रहलाद सिंह है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता। पांच सब्जेक्ट है, पांचों ही बेकार लगते हैं। पढ़ता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता ना। अच्छा, पांच में से कोई एक ऐसा है जो थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा पढ़ना अच्छा लगता है? हिंदी। मैं पढ़ता हूँ और एसएसटी पढ़ता हूँ। एसएससी मतलब वही हिस्ट्री हुआ, सोशल साइंस, पॉलिटी हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जो भी मन में है प्रॉब्लम वो सब बताओ, उसका सॉल्यूशन लेके जाएंगे ताकि आपकी इस एग्जाम में भैया 90% से नीचे ना आए, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चे कि तुम घर में तुम अच्छा ये बताओ, सारा दिन में जब तुम स्कूल आते हो, दोपहर में स्कूल आ गए, उसके बाद तुम लेक्चर जब ब्रेक होता है, छुट्टी होती है, हाफ ब्रेक, आधी छुट्टी, उसमें क्या करते हो? खाना खाते हो और क्या करते हो? मैं कुछ नहीं खाना वाना नहीं खाते। खाना नहीं खाते हो? अच्छा, आप रीडिंग नहीं कर पाते हो? अच्छा, रीडिंग का सॉल्यूशन है जो भी पढ़ोगे घर जाके उसको जोर जोर से बोलना है, ठीक है। जैसे कि जब जोर से बोलोगे तो वो शब्द का उच्चारण करोगे तो याद होने लगेगा, ठीक है। और सुनो, मेरे को भी मैथ में दिक्कत होती है और साइंस में भी होती है, आंसर का थोड़ी होती है वो मैं कर लेता हूँ, उसमें इतना नहीं, जो सुबह आपके सर से पूछ लेना जो होती है। फिर मैथ में होते कि 5-6 क्वेश्चन करता हूँ, उसके आगे ऐसे डिफिकल्ट सा लगने लगता है। हाँ जी, जैसे क्वेश्चन 5-6 से होते हैं, इतने तक तो हो जाता है, ऐसे ये आसान आसान ये तो हो जाएंगे, और जो कठिन कठिन होता है वो मैं नहीं कर पाता। फिर मैं सोचता हूँ कि या तो ट्यूशन आज सर से पूछूँ या तो स्कूल वाले सर से। अच्छा, जो सॉल्यूशन बुक होती होगी ना आपके पास, मटेरियल मिलता है, उसको 2-3 बार आराम से देखो, और आपके दोस्त सर्कल में क्लास में एक ऐसा बच्चा जरूर होगा जिसका मैथ होगा बहुत तेज, उसको लेके बैठो, उससे दोस्ती करो, उसे बोलो कि भाई जरा समझा कैसे आया, ये भी एक सॉल्यूशन है। कई बार हम टीचर के पास टाइम नहीं, लेकिन दोस्तों के पास टाइम होता है, और जब आप किसी को कोई चीज सिखाओगे तो आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाएगी।